जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, महादेव से, महादेवी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 111111 में। डियर, आज का टॉपिक ये है कि शिव और शक्ति, महादेव और महादेवी, आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, अगर आप ट्विन सोल जर्नी में हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि आपको पता है ना, हमारे महादेव और महादेवी ये दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ये दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं। और कहीं ना कहीं ये सभी ट्विन सोल जर्नी वालों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होते हैं, एक बहुत बड़ी प्रेरणा देने का काम करते हैं। इस वजह से इनकी प्रेरणा, इनका संदेश, इनका मैसेज लेना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखना, स्पेशली अगर आप ट्विन सोल जर्नी में हैं तो, और नहीं है तो भी देखना। सॉरी, कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, कल हम मनसा देवी गए थे दर्शन करने, उसका व्लॉग हमने अपने नेक्स्ट चैनल में अपलोड किया है, आपने देखा हो तो सही है, नहीं देखा है तो देख कर आइए, अच्छा था, बहुत मस्ती की थी, आप लोग देखेंगे आपको भी अच्छा लगेगा, तो एक बार ज़रूर देखिए जाकर। ठीक है, तो देखिए दो पायल दिए हुए हमने, एक में महादेव हैं, एक में महादेवी हैं। ठीक है, शिव और शक्ति, तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए, महादेव से, महादेवी से, ईश्वर से, आप जिन्हें भी मानते हैं, प्रार्थना करिए कि वो आपको सही संदेश दें, वो आपको सही रास्ता दिखाएं, जो भी प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में उसके अकॉर्डिंग। फिर आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, और अगर आपका मन हो ना तो आप पूरी रीडिंग देख लीजिए। चलिए अब महादेव का टॉपिक है, स्पिरिचुअल टॉपिक है, बहुत दिनों से भजन भी नहीं सुनाया। तो इस रीडिंग की शुरुआत एक प्यारे से भजन से करते हैं। जो लोग भजन सुनना चाहते हैं वो कंटिन्यू रखें, और जो इंटरेस्टेड नहीं है, जिन्हें भजन अच्छे नहीं लगते, वो डायरेक्टली अपनी रीडिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, हे भोलेनाथ, हे सब कुछ हाथ तुम्हारे, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, सब कुछ हाथ तुम्हारे, किस्मत मेरी भी चमका दो, किस्मत मेरी भी चमका दो, हम किस्मत के मारे, हे भोलेनाथ, हे दीनानाथ, सब कुछ हाथ तुम्हारे, राहें जीवन की अनजानी, भूले भटके हम अज्ञानी, राहें जीवन की अनजानी, भूले भटके हम अज्ञानी, मेरे जीवन की राहों में अंधकार है छाया, पग पग पर है ठोकर खाई, जब भी कदम बढ़ाया, हे दीनानाथ, अनाथों के नाथ, दूर करो अंधियारे, हे दीनानाथ, अना
दूर करो अंधियारे, किस्मत मेरी भी चमका दो, किस्मत मेरी भी चमका दो, हम किस्मत के मारे। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, सब कुछ हाथ तुम्हारे, सब कुछ हाथ तुम्हारे। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, सब कुछ हाथ तुम्हारे, किस्मत मेरी भी चमका दो, हम किस्मत के मारे। हे भोलेनाथ, हे दीनानाथ, सब कुछ हाथ तुम्हारे। आपको ये भजन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए, आपने पायल चूज कर लिया, अब आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर वन, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपने चूज़ किया है महादेव को और आप जानना चाहते हैं कि महादेव आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं, महादेव आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी को लेकर, आपके रिश्तों को लेकर, आपके करियर को लेकर आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ कंडीशन की बात कर लेते हैं, हो सकता है इसमें आपकी भी कंडीशन हो, आपकी भी सिचुएशन हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, जो उनके प्यार को, उनके ऑफर को ठुकरा कर चला गया है। ऑफर हमने क्यों बोला, हो सकता है कि कुछ लोग करियर से रिलेटेड किसी का इंतज़ार कर रहे हों, जो इंसान उन्हें रिजेक्ट करके चला गया है और आपको अभी भी होप है कि हो सकता है कि कुछ बात बन जाए। और लव लाइफ के लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, उसे अपनी दुनिया समझते थे, सब कुछ, लेकिन एक समय पर वो इनके प्यार को ठुकरा कर चला गया, उसने किसी और को प्रायोरिटी दे दी। ये कोई और, उसकी फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई भी। यहाँ पर बहुत सारे लोग किसी ऐसे ही इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं जो फ़िलहाल उनके प्यार को ठुकरा कर चला गया है, फ़िलहाल उनका दिल तोड़कर चला गया है, चाहे किसी की भी वजह से, और वो स्टक हैं, वो स्टक हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं, वो कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं कि वो क्या करें, किधर जाएं, उन्हें कोई रास्ता नज़र आ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो उस इंसान से बहुत ज़्यादा इमोशनली डीप लेवल पर कनेक्ट हैं, डीप लेवल पर। ऐसे कहते हैं ना कि भुला पाना आसान होता है क्या किसी को, जिसे हमने कभी आत्मा से चाहा हो, दिल से चाहा हो, हम भूल पाते हैं क्या कभी उसे? कहना बहुत आसान हो जाता है कि भूल जाओ, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, पर नहीं हो पाता, समझ सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे ही हैं जिनकी कंडीशन ये है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। यही होता है जब आप किसी को अपनी ज़िंदगी समझ लेते हैं और आपकी दुनिया सिर्फ उसके ही इर्द गिर्द सीमित होती है ना, और जिस दिन वो छोड़ कर जाता है तो फिर लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन हम अपने आप को सिर्फ उसमें सीमित कर लेते हैं, लिमिटेड कर लेते हैं, और उसी को अपनी दुनिया समझने लगते हैं। इतनी बड़ी दुनिया में हम कहीं प्यार देखते ही नहीं हैं, इतनी बड़ी दुनिया में हम और किसी चीज़ को प्रायोरिटी देते ही नहीं हैं, और जिस दिन वो छोड़ कर जाता है उस दिन हमारी दुनिया ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की दुनिया ख़त्म हो चुकी है और उनकी विक्टिम मेंटालिटी है, उन्हें लग रहा है कि वो नहीं निकल सकते, वो मूव ऑन नहीं कर सकते, वो लाइफ में शायद कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, और ज़िंदगी का एक एक पल बहुत कीमती है। उन्हें ये भी पता है कि लाइफ उनकी स्पॉइल हो रही है, बर्बाद हो रही है, और वो चाह कर भी अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, चाह कर भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जैसे कि उनके अंदर स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई है, जैसे कि उनकी किस्मत रूठ गई है उनसे। बहुत कुछ है उनके पास, लेकिन जैसे कि
वो सब होने ना होने से कोई फायदा नहीं है, ये चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं लेकिन हस्बैंड और वाइफ के दरमियान काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं, उनके दरमियान भी काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं बहुत रूड है, बहुत प्रैक्टिकल है और उनके साथ आप ट्विन सोल कनेक्शन फील करते हैं। आपके हस्बैंड हो सकते हैं, उनके साथ आप ट्विन सोल कनेक्शन फील करते हैं कि वो कितना भी आपको दर्द दें, कितना भी, लेकिन पता नहीं क्यों आप उनसे दूर जा ही नहीं पाते। वो हमेशा हमेशा आपसे बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करते हैं, कभी भी आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, लाइक फीलिंगलेस बिहेव करते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से। तो आपको ये लगता है कि क्या कभी इसे मेरे प्यार का एहसास होगा, क्या कभी इसे समझ में आएगा, क्या हमारे रिश्ते की कभी नई शुरुआत हो सकेगी, क्या मुझे कभी जस्टिस मिलेगा, क्या मुझे कभी प्यार के बदले प्यार मिलेगा। और कुछ लोग यही चाहते हैं कि वो कोई उन्हें बताए कि वो कैसे एक्शन ले, कोई उन्हें समझाए कि वो लाइफ में कैसे आगे बढ़े। कुछ लोग हैं ऐसे जिनका शायद कोई विवादित केस चल रहा है या फिर फैमिली में कोई बात चल रही है, लाइक फैमिली में कोई है जो आपका अपना ही है लेकिन हमेशा वो आपको दोषी ठहराता है, अपनी गलतियां आप पर थोपता है, आपका ही कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। तो आपको लगता है कि क्या आपके फैमिली वालों को कभी समझ में आएगा कि आप हमेशा निर्दोष होते हैं, आपकी कभी कोई गलती नहीं होती, लेकिन आप बातें बना नहीं पाते, आपको हमेशा हमेशा कटघरे में खड़ा किया जाता है दोषी बनाकर कि यह इसकी वजह से हुआ, यह इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोचते हैं लेकिन आपकी फैमिली हमेशा आपको दोषी समझती है, हमेशा आपको गलत समझती है। तो आपको लगता है क्या कभी वो आपके काम को, आपके प्यार को अप्रिशिएट करेंगे, क्या उन्हें कभी समझ में आएगा कि आप उनके लिए कितना सोचते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। और देखिए, हमने करियर के लिए बताया कि करियर के लिए भी कुछ लोग हैं ऐसे जो करियर के लिए भी बहुत परेशान हैं, लाइक किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं लेकिन उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो वेट कर रहे हैं, वो एक तरीके से अपने लिए ईश्वर से जस्टिस मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं कि मुझे ज़्यादा नहीं, क्या मुझे मेरे मेहनत का फल मिलेगा, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि कर्म का फल मिलता है, तो मुझे मेरी मेहनत का ही फल दे दीजिए, मैंने इतने एफर्ट लगाए हैं, मैंने इतना इन्वेस्ट किया है, इतनी मेहनत की है, उसका ही फल दे दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं। अब देखिए, एंजल्स आपसे पता है क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि जितने लोगों की विक्टिम मेंटालिटी है ना, कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो कंफ्यूज्ड हैं, उनके पास स्ट्रेंथ की कमी है, उन्हें रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, तो इम्पॉसिबल ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता। अगर आप कोशिश करें तो कोशिशें ही हमेशा कामयाब होती हैं। बिना कोशिश किए जो लोग कह देते हैं ना कि नहीं हो रहा है, देखिए एक दो दिन कोशिश करने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये समझते होंगे कि हम उनसे बस बोल देते हैं कि कोशिश करो, कामयाब हो जाओगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। जिन चीज़ों से आप गुजर रहे हैं ना, हम भी गुजरे हैं, बिना अनुभव के बात करना अच्छा नहीं लगता। जो आपको हम समझाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा भी एक्सपीरियंस रहा है, भाई हम इंसान हैं, हमारे दिल में भी प्रेम है, सब कुछ है, हम आसमान से थोड़े ना प्रकट हुए हैं, हर चीज़ों को जिया है हमने भी, इसी वजह से तो डीपली कनेक्ट हो पाते हैं। हम लाइक प्रोफेशनली थोड़े ना आपको समझा रहे हैं, जानते हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं ना तो कोशिशें कामयाब होती हैं। हाँ, अगर आपको वाकई इतनी फिक्र है अपनी ज़िंदगी की कि टाइम बर्बाद हो रहा है और आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं, आपसे जो पीछे थे वो कहां से कहां पहुंच गए और आप आज भी कुछ चीज़ों में स्टक हैं जो कि नेगेटिव हैं, तो ईश्वर चाहते हैं कि अगर आप कोशिश करेंगे तो समय रहते आप सही जगह पर पहुंच जाएंगे, समय रहते ही आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जो आप डिज़र्व करते हैं, और आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप यहीं पर अटके हुए हैं। पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बहुत ज़्यादा सोचना बुरा नहीं होता, लेकिन हर वक्त गलत सोचना, नेगेटिव सोचना, वो गलत होता है। हम मानते हैं कि आप इमोशनल हैं, आप दिल से सोचते हैं, अच्छी बात है, दिल से सोचना चाहिए,
देखिए, दुनिया आपकी तरह नहीं है। अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग एक एग्जाम्पल देते हैं कि हाथ आपका ही है, लेकिन क्या आपकी पांचों उंगलियां बराबर हैं? कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई मोटी है, कोई पतली है। सबका अपना अपना एक महत्व है। ऐसे ही दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं है, ये सोच कर रखिए, ये सोच कर चलिए, और जो जैसा है उसके सामने वैसी ही बात करिए, है ना? कोई बच्चा है आपके सामने तो उसके सामने बच्चे बनकर बात करिए, कोई बहुत समझदार है तो समझदारी वाली बात करिए। जैसे को तैसा, मतलब जो जैसा है उसके साम उसको वैसे ही ट्रीट करिए, तभी उसे समझ में आएगा, क्योंकि वो उसी लैंग्वेज को समझता है। अगर जिंदगी में जीना है तो खुशी से जीना है, तो क्योंकि आप पृथ्वी पर हैं, यहाँ पर हर तरह की आत्माएं हैं। आप जीव आत्मा जगत में नहीं है, जहां पर अच्छी आत्माएं एक जगह पर रहती हैं, बुरी आत्माएं एक जगह पर रहती हैं। जो आत्माओं की दुनिया है ना, वहां पर सारा सिस्टम अलग है। जो अच्छी अच्छी आत्माएं होती हैं, हायर लेवल की सोल्स होती हैं, उन्हें दूसरी जगह पर रखा जाता है, वो सब एक साथ रहती हैं। जो मीडियम लेवल की सोल्स होती हैं, जो ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी, उन्हें एक जगह पे रखा जाता है। जो बहुत लो लेवल की सोल्स होती हैं, उन्हें एक जगह पे रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे हायर लेवल की, लो लेवल की, मीडियम लेवल की सारी सोल्स एक साथ रहती हैं। कहो तो एक घर में रह रही हूँ, कोई बड़ी बात है? तो आपको समझना होगा ना कि कैसे डील करना है आपको लोगों के साथ, कैसे इंसान के साथ कैसे पेश आना है, तभी आप जिंदगी में खुश रह पाएंगे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना शुरू करिए। ये आपसे महादेव कहना चाहते हैं, हमारे थ्रू। महादेव कहते हैं कि आप बहुत सारा प्यार, बहुत सारी सक्सेस डिजर्व करते हैं, बहुत सारी खुशियाँ डिजर्व करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप उन चीजों में अटक जाते हैं जो बेफुजूल की, जिनका कोई मतलब नहीं है। आप उन्हें कुछ ज्यादा ही प्रायोरिटी दे देते हैं। जैसे होते ना, कुछ लोग तिल का ताड़ बना देते हैं, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं। ऐसे ही आप ज्यादा सोचते हैं, फिर आपको लगता है कि बात बहुत बड़ी है। अगर आप चाहें ना तो बड़ी आसानी से उन चीजों से निकल सकते हैं, अगर आप उन्हें सोच सोच कर बड़ा ना करें तो। पता है ईश्वर यहाँ पर आपसे क्या कहना चाहते हैं? आप एक चुंबक की तरह हैं। आप जो भी सोचते हैं ना, वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, आप उसे अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन आपकी जिंदगी में ज्यादातर करके नेगेटिव घटनाएं क्यों घटती हैं? क्योंकि आप नेगेटिव ही सोचते हैं, आप नेगेटिव ही सोचते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट होगी, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी, और आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी मैनिफेस्ट होगी, नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा सिंपल सा। अगर यूट्यूब पर आप किसी एक टॉपिक पर चीजें देखना शुरू कर दें, किसी भी टॉपिक पर, लाइक टैरो, ठीक है? जब आपने फर्स्ट टाइम टैरो देखा होगा तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा होगा। आपने पहली बार किसे देखा, जिसे भी देखा होगा आपने। फिर धीरे धीरे करके गूगल को पता चला कि आप इन चीजों में इंटरेस्टेड हैं, इस टाइप के टॉपिक्स में आप इंटरेस्टेड हैं, तो गूगल ने क्या किया, आपको उसी टाइप की चीजें सजेस्ट करनी शुरू कर दी। धीरे 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 करके हमें लगता है कि आप बहुत सारे टैरोट रीडर को सुनते होंगे। आप पहले तो उनको नहीं जानते थे, पर्सनली नहीं जानते थे ना। कहीं ना कहीं यूट्यूब ने आपके दिमाग के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें सजेस्ट की हैं आपको। ऐसे होता है हमारे माइंड में, हमारे कॉन्शियस लेवल पे। आप जिस तरह का सोचना शुरू करते हैं, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसी तरह की चीजें आपको सजेस्ट होने लगती हैं, उसी तरह की आत्माएं, उसी तरह की एनर्जी आप मैनिफेस्ट करने लगते हैं। आप जैसा सोचते हैं उसी को मैनिफेस्ट करते हैं। तो एंजल्स कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जिंदगी में वो सब कुछ हो जो आप डिजर्व करते हैं, जिसके लिए आप बने हैं, तो आपको इस मेंटेलिटी से बाहर निकलना होगा कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं कुछ भी करूं हाथ लगता ही नहीं है, मैं कुछ भी करूं मुझे सफलता मिलती ही नहीं है। अब आपने सोच ही लिया है तो सफलता कैसे मिलेगी, सफलता कैसे मिलेगी? आपने पहले से सोच लिया कि ऐसा ही होना है, तो फिर ठीक है, जैसा सोच रहे हैं तो फिर आपको वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी बना के रखते हैं कि नहीं,
मैं जो भी करता हूँ उसमें मुझे सफलता मिलती है, लेकिन जिस दिन नहीं मिलती है, जब नहीं मिलती है ना, तो उसमें जरूर मेरे लिए कुछ अच्छा छुपा होता है। हो सकता है कि वो चीज़ मेरे लिए बनी नहीं थी, या फिर उस चीज़ से, उस काम से, उस इंसान से मेरे लिए खतरा हो सकता था आगे चलकर, इसी वजह से वो मुझे मिला नहीं, वो चीज़ मुझे मिली नहीं। मैं पॉजिटिविटी, मैं खुशी, मैं अबंडेंस डिजर्व करता हूँ। मैं नेगेटिविटी डिजर्व नहीं करता, मैं अच्छी चीज़ें डिजर्व करता हूँ। तो फिर उसी तरह की चीज़ें, उसी तरह की घटनाएं आपके जीवन में घटने लगेंगी जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे। ये सारी चीजें आपके ऊपर हैं, जन्म और मृत्यु आपके ऊपर नहीं है, जन्म और मृत्यु ईश्वर के हाथों में है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ना आपके हाथों में हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें बेहतर कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें और बिगाड़ सकते हैं, बद से बदतर कर सकते हैं। सब कुछ आपके मैनिफेस्टेशन पर निर्भर है। यहाँ पर ईश्वर आपसे ऐसा कहना चाहते हैं। पता है महादेव, एक बात और भी कहना चाहते हैं कि हर एक रिश्ते का अंत निर्धारित होता है। अगर वो डीप लेवल पर नहीं है, डीप लेवल पर मन के लेवल पर नहीं, आत्मा के लेवल पर, अगर वो रिश्ता किसी कारणवश जुड़ा हुआ है, किसी चीज से, किसी भी रीजन की वजह से वो रिश्ता जुड़ा हुआ है, रीजन चाहे ये क्यों ना हो कि प्यार के बदले प्यार, अगर निस्वार्थ प्रेम नहीं है, अनकंडीशनल लव नहीं है, जहां पर आप कुछ भी पाने की डिमांड रखते हैं कि मैं तुम्हें फोन करूं तो तुम मुझसे टाइम पर बात कर लो, मैं तुम्हें प्यार दूं तो तुम भी मुझे प्यार दो, मतलब इक्वल गिव एंड टेक करो, तो कहीं ना कहीं ये भी तो एक कंडीशन है ना, ये निस्वार्थ प्रेम थोड़ी ना है। तो ऐसे रिश्तों की एक अवधि होती है, ऐसे रिश्ते एक समय के बाद खत्म हो ही जाते हैं, खत्म हो ही जाते हैं, समाप्त हो ही जाते हैं समय के साथ। लेकिन अगर एक प्यार ऐसा है जहां पर कोई रीजन नहीं है, तुम बात करो तो अच्छा, ना करो तो अच्छा, लाइक होता है ना वन साइडेड लव, उसकी ताकत ही बड़ी अजीब होती है। कोई बात करे ना करे, हम तो खुश, भाई हम तो प्यार करते हैं ना, तुम नहीं करो कोई बात नहीं, तुम्हारे पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, पर हम करते हैं, ये बड़ी बात है। जैसे कि अब आपको क्या पता कि ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते, लेकिन अगर आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो ये बड़ी बात है। अब ईश्वर प्रेम करे ना करे, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है, पर आप करते हैं ना, बस इतना काफी है। अपने प्यार में खुश रहिए, ऐसे रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, किसी जन्म में खत्म नहीं होते। और फिर ऐसा नहीं है कि जहां पर आप निस्वार्थ प्रेम करते हैं वहां पर कभी आपको प्रेम नहीं मिलता, मिलता है। स्टार्टिंग में मीरा ने कृष्ण से निस्वार्थ प्रेम ही तो किया था, वो ये थोड़ी ना कह रही थी कि भाई तुम मेरे साथ रास रचाने आओ, तुमने जो राधा के लिए किया तुम वो मेरे लिए भी करो, तुमने जो रुक्मणी को दिया तुम वो मुझे भी दो। एक निस्वार्थ प्रेम मीरा ने किया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने मीरा के प्रेम का मान नहीं रखा। शुरुआत हमेशा निस्वार्थ प्रेम से होती है, अनकंडीशनल लव से होती है। फिर आगे चलकर ऐसा नहीं है कि ईश्वर का दिल पसीजता नहीं है, उनके दिल में प्यार जगता नहीं है, आपका प्रेम देखकर, आपका अनकंडीशनल लव एक दिन आपको आपके प्यार से मिला ही देता है। ऐसे रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। लेकिन जिन रिश्तों में एक वजह होती है, एक कारण होता है, एक रीजन होता है, वो रिश्ते कभी भी खत्म हो जाते हैं। पता है ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि सच्चाई का सामना कीजिए, सच्चाई से भागिए मत, मुंह मत छुपाइए, सच्चाई आपके सामने है लेकिन आप उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। किसी भी चीज की सच्चाई हो, है वो आपके सामने लेकिन आप मानना नहीं चाहते, तो ये आपकी गलती है। अगर आपके सामने कोई दुख है, कोई समस्या है, तो उसका सामना कीजिए, उससे भागिए मत, उससे पीछा मत छुड़ाइए। जब आप उसका सामना करेंगे तभी वो आपकी जिंदगी से जाएगी, लेकिन अगर आप उससे भागेंगे ना तो वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, ध्यान रखना। जिंदगी में इतने दुख क्यों आते हैं? क्योंकि हम दुखों का सामना नहीं करना चाहते, हम उनसे भागना चाहते हैं, हम परिस्थितियों से भागना चाहते हैं। अगर हम परिस्थिति को समझ लेते हैं, अगर हम परिस्थिति को समझ लेते हैं और उसका सामना करते हैं, तो वो परिस्थिति, वो दुख हमें बहुत बड़ा नहीं लगेगा।
हमें लगेगा हम तो बेकार में भाग रहे थे इन चीजों से, ये तो बहुत आसान था। लेकिन जब तक हम उन्हें बहुत बड़ा समझते हैं और उनसे भागते हैं, तब तक वो चीजें हमारा पीछा अंत अंत तक नहीं छोड़ती हैं। तो महादेव यही कहना चाहते हैं, आपके जीवन में जो दुख है ना, वो इस वजह से नहीं है कि परिस्थितियां विपरीत हैं, वो इस वजह से है क्योंकि आप उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं, आप उनसे भागते हैं, आप उनका सामना नहीं करते हैं। सामना कीजिए, चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। किसी चीज के लिए आप एक्शन लेना चाहते हैं, आप में से बहुत सारे लोग, बिल्कुल सही समय है। पॉजिटिव होकर एक्शन ले लीजिए, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। भरोसा रखिए, ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। देखिए एक बात और, महादेव कहना चाहते हैं कि अपने दुख की, अपने दर्द की चर्चा थोड़ा कम किया करिए। उन दर्द को, उन चीजों को अपने हृदय में स्थान मत दीजिए। एक एग्जाम्पल, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरा ये हो गया, अब हर बार 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 किसी से ऐसा बोल रहे हैं, आप कमेंट में मान लीजिए बोल रहे हैं, हम ही से बोल रहे हैं, किसी और टैरो रीडर के चैनल पर गए, वहां देखा और कमेंट में बोला, आपको नहीं लगता कि आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं बार बार लिखकर? आकर्षण का जो नियम है वो क्या है? अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो बार बार उसकी चर्चा करिए, बार बार उसे लिखिए, तो वो मैनिफेस्ट होगा। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का अनुभव है। हम जो पाना चाहते हैं हम उसे लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आप इस दर्द को पाना चाहते हैं? आप तो इससे भागना चाहते हैं ना, आप तो चाहते हैं कि आपके जीवन में दर्द नहीं, खुशियां हो। तो फिर आप अपने दर्द की चर्चा क्यों करते हैं? क्यों नीचे कमेंट में जगह जगह पर, जगह जगह पर जाकर अपना कोड़ दिखा रहे हैं आप लोगों को कि देखो मेरे ये हो गया, मेरा वो हो गया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। क्या होगा? थोड़ी सिंपत्ति मिल जाएगी दो चार लोगों से? कोई आपका दर्द कम करने नहीं आएगा। जो आप फेस कर रहे हैं उसे आपको ही अकेले फेस करना पड़ेगा। स्ट्रांग बनिए और अपने दुख दर्द की नुमाइश मत करिए कि मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा अब ऐसा कभी नहीं हो सकता। और दूसरों से बिल्कुल भी मत बताइए, और दूसरों से बिल्कुल भी मत बताइए कि मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से लीजिए। भाई जिसे जब आना है वो आ जाता है, जब जाना है वो चला जाता है, हमें पता है, आपके दिल का हमें पता है। डायरी से बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं होता। अपने दर्द को डायरी में लिख दीजिए, लेकिन जो नेगेटिव है उसे लिखिए, फिर तुरंत उसे जला दीजिए। उसे मैनिफेस्ट नहीं करना है, लिखिए उसे, लिखकर उसे रखिए जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन जो आप नहीं पाना चाहते, अपना मन हल्का करने के लिए उसे लिखिए, लेकिन फिर उसे जला के फेंक दीजिए कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। जब हमारे साथ ऐसा होता था ना, तो हम जब परेशान होते थे ना, तो हम अपना दर्द हल्का करने के लिए, अपना मन हल्का करने के लिए एक डायरी में फटाफट फटाफट वो सारी चीजें लिखते थे, रोते थे, लिखते थे, रोते थे, लिखते थे, रोते थे, मन हल्का हो जाता था। और वो सारी नेगेटिव चीजें थी कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। फिर उसके बाद उसे फाड़ के, जला के फेंक देते थे, क्योंकि हमें उस नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी में क्या दूर दूर तक कहीं पर उस स्थान नहीं देना है। अपने दिल में क्या, अपनी डायरी में भी उस नेगेटिविटी को हम जगह नहीं दे सकते कि वो वहां पर कैद रहे। हमने उसे लिखा, फाड़ा, जलाया और फेंका। ये शुरू कर दीजिए। किसी से मत बताइए, आज के समय में कौन कब पलटी मार देगा पता नहीं चलेगा आपको। हाँ, तो ये महादेव आपसे कहना चाहते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को समझिए, अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़िए, अपने करियर को प्रायोरिटी दीजिए, अपनी फैमिली को, जो पॉजिटिव लोग हैं आपकी फैमिली में, जो आपको प्यार करते हैं, उनको प्रायोरिटी दीजिए। इन नेगेटिव चीजों को प्रायोरिटी मत दीजिए। अपनी हीलिंग करिए, ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट करिए, आप बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी सक्सेस डिजर्व करते हैं और वो आपको मिलेंगी, आपको जस्टिस मिलेगा। लेकिन आपको इन सब चीजों से निकलने की जरूरत है। भरोसा करिए, धैर्य रखिए, ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। अब जो हो चुका वो दोबारा नहीं होगा,
लेकिन अगर आप गलती करते हैं तो कुछ वैसा ही घट सकता है। तो अपनी गलतियों से एक सबक लीजिए, जिंदगी में आगे बढ़िए। जिंदगी बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है। दिल खोल कर तो देखिए, पूरी प्रकृति आपके साथ है। इंसानों पर विश्वास नहीं रहा, जीव जंतुओं पर विश्वास कर सकते हैं, जीव जंतुओं से प्रेम कर सकते हैं। देखना कितनी खुशियां होंगी। किसी के मोहताज मत बनिए, इंडिपेंडेंट बनिए। हाँ, कि मेरी खुशियां दूसरों पर डिपेंड नहीं है। मैं जब चाहूं तब हंसू, मैं जब चाहूं तब रोऊं। मैं किसी की कठपुतली नहीं हूं कि लोग मुझे चाहे तो हंसाएं, लोग मुझे चाहे तो रुलाएं। समझ गए? तो महादेव कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, जो पाना चाहते हो ना, उसे लिखना शुरू करो, वो मैनिफेस्ट होगा। और जो नहीं पाना चाहते, उसे लिखो अपना दर्द कम करने के लिए, लेकिन उसे फाड़ कर फेंको, फिर से तुरंत जला दो। उसे जगह मत दो अपनी जिंदगी में, क्योंकि इस टाइम पर आप चुंबक की तरह हैं। तो आप एक हायर लेवल की सोल ही ना हैं, तो एक आप हायर लेवल की सोल। तो जो सोचते हो वो मैनिफेस्ट हो जाता है, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। इसी वजह से सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। कुछ नेगेटिव आता है तो उसे लिखो और जला दो, लिखो और जला दो कि ये नहीं चाहिए था मुझे। और अपनी जिंदगी में स्ट्रांग बनकर, स्ट्रांग पर्सनालिटी बनकर आगे बढ़ो। और दूसरों को भी जिंदगी जीने का रास्ता दिखाओ, दूसरों को भी अंधेरे से बचाओ, रोशनी की तरफ ले जाओ। जो आपने सीखा है अपने अनुभवों से, जो आप सीख रहे हैं, उस हिसाब से लोगों की जिंदगी भी प्रकाशित करो, लोगों की जिंदगी में भी खुशियां लेकर आओ। दर्द कम थोड़ी ना है, सब दुखी हैं, लेकिन अपनी गलतियों को बार बार दोहराने की वजह से दुखी हैं। तो आप उन्हें सिखाओ कि ऐसा वो ना करें, ठीक है? तो यह है आपके लिए महादेव का संदेश। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, पूरी जिंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर टू, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 111 111 में। आपने चूज किया है महादेवी को, महाशक्ति को, आदिशक्ति को, और आप जानना चाहते हैं कि माँ आपको क्या बताना चाहती हैं, क्या समझाना चाहती हैं। एक छोटी सी बात, सिंपल सी बात, 100 बात की एक बात अच्छे से समझ लीजिए। जिंदगी में सिर्फ 2 दिन हैं, जिंदगी में सिर्फ 2 दिन हैं। एक दिन जिंदगी आपके हक में होती है, एक दिन जिंदगी आपके हक में होती है और एक दिन जिंदगी आपके खिलाफ होती है। तो जब जिंदगी आपके हक में हो, जब आपका भाग्य आपका साथ दे, जब समय आपके साथ हो, तो अभिमान मत करना। और जब जिंदगी आपके हक में ना हो, जब समय आपका साथ ना दे, तो थोड़ा सब्र करना। तो थोड़ा सब्र करना, सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इस जीवन में, इस जिंदगी में बदलाव, परिवर्तन, समझ रहे हैं, शाश्वत है, अटल है, होकर ही रहेगा। आप सोचते हैं कि जो कल जैसा था वो आज भी वैसा होना चाहिए, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कल जैसा जीवन आपने जिया था, क्या आज आप वैसे ही जी रहे हैं? हर पल, प्रतिपल बदल रहा है। किसी का भी जीवन जैसा कल था वैसा आज नहीं है, जैसा आज है वैसा कल नहीं होगा। यहां पर कुछ भी शाश्वत नहीं है। बदलाव होगा ही होगा, परिवर्तन होगा ही होगा। कभी पतझड़ है, कभी सावन है, जीवन सुख दुख का संगम है। यहां पर हम सिचुएशंस की बात करते हैं। बहुत सारे लोग इसी बात पर दुखी हैं कि जो कल जैसा था वो आज क्यों नहीं है।
जो लोग आपके लिए जान छिड़कते थे, आपको अपनी जान कहते थे, जो आपके बिना सांस नहीं लेते थे, आज वो आपके पीठ पीछे खंजर घोप के कैसे भाग रहे हैं? क्या बदल गया, क्या हो गया? जिन पर आपने इतना ट्रस्ट किया वो आज इतना कैसे बदल गए? कहाँ कमी रह गई? जीवन की रफ्तार इतनी स्लो क्यों है? आप इतना एफर्ट्स लगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, आप अपना बेस्ट देते हैं, पर सब कुछ इतना स्लो क्यों है? सब समय के साथ होगा। आप अभी समय के नियम को समझ नहीं पाए। कर्म आप अपनी स्वेच्छा से करिए, अपनी स्वतंत्रता से करिए, लेकिन फल वो अपनी स्वतंत्रता से ही देगा, अपने हिसाब से ही देगा। कुछ लोगों को यहां पर किसी ने धोखा दिया है, होगा कोई अपना दिल के बहुत करीब, परिवार का मेंबर हो, हम सफर हो, कोई भी हो जिसे आपने बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी है, वो हो, कोई भी हो, लेकिन जैसे कि उसने इस कदर आपको तोड़ा, अब जीने की चाह ही नहीं रही। बड़ा गिल्ट है, बड़ा अफसोस है कि आपने ऐसे इंसान पर इतना विश्वास क्यों किया। कुछ लोगों के लिए लगता है कि किसी इंसान ने बहुत बुरी तरह से विश्वास तोड़ा है, और हो सकता है कि ये इंसान आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिला था। आप उसे पहचान क्यों नहीं पाए? आपने उसे इतना अच्छा कैसे समझ लिया? अपने सारे सीक्रेट उससे क्यों शेयर कर दिए? बहुत सारे लोगों ने ऐसा कर दिया है और वो आज बहुत पछता रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर अपने पेरेंट्स की वजह से दुखी हैं। उन्हें शायद शिकायत है कि उनके पेरेंट्स उन्हें समझते नहीं हैं, हमेशा उन्हें सुनाते रहते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स हमें समझते तो हैं, हमें प्यार तो करते हैं, पर वो दिखावा नहीं करते, और हमें इस दिखावे की दुनिया में जीने की इतनी ज़्यादा लत लग चुकी है कि हमें हर चीज़ में दिखावा चाहिए होता है। हम दिल का प्रेम, मन का प्रेम समझ ही नहीं पाते। लेकिन कभी कभी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते भी हैं जो अपने बच्चों के प्यार को, अपने बच्चों के बलिदान को, अपने बच्चों की खुशियों को समझ नहीं पाते। वो वाकई उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते, वो वाकई उन्हें हमेशा सुनाते रहते हैं। दो तरह के लोग हैं दुनिया में, हम जानते हैं, लेकिन हमने क्या कहा कि जिंदगी में दो दिन हैं। एक दिन आपके हक में होगा और दूसरा दिन आपके खिलाफ में होगा। तो जब आपके हक में हो तो अभिमान मत करना कि ओहो मेरे पास तो ये, मेरे पास तो वो, ऐसा वैसा, और जब आपके खिलाफ हो तो थोड़ा सब्र करना कि फिर से मेरे हक में आएगा, फिर से मेरे दिन बदलेंगे। ऐसे ही आज दिन आपके हक में नहीं है, आज दिन आपके साथ नहीं है, तो थोड़ा सब्र करिए, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। आपको लगता है कि सब मेरे साथ ही क्यों होता है? क्या मैं ही बना हूँ इतने दुख दर्द सहने के लिए? क्या दुनिया का जितना भी दुख दर्द है वो सब मुझे ही दिया जा रहा है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? महादेवी आपसे कहना चाहती, जब तक आप सबक नहीं सीखेंगे ना, तब तक आपकी ज़िंदगी में ऐसी ही चीज़ें बार बार रिपीट होती रहेंगी। आप सबक नहीं सीखते हैं, इसी वजह से आपके साथ वही चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। आप सबक सीख लीजिए, आप दोबारा वो गलती करेंगे नहीं, और फिर आपके साथ वो चीज़ें रिपीट होंगी नहीं। फिर वो चीजें आपके साथ रिपीट होंगी नहीं। जो लोग अपने करियर से रिलेटेड बहुत परेशान है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि रिजल्ट बड़ा स्लो है, जैसे कि बड़ा दुख है उनकी जिंदगी में, इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हो सकता है कि उन्होंने आपके लिए कुछ और बेहतर सोच रखा हो। और देखिए, पीड़ा से गुजर कर ही, इतना स्ट्रगल करके ही जो उन्नति प्राप्त होती है ना, जो सक्सेस मिलती है ना, उसका सुकून ही अलग होता है। जितने भी हमारे दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं, उनका पास्ट खुरेदिए, उनके पास्ट में जाइए, क्या वो पैदाइशी सक्सेसफुल थे? उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, हर चीज को समझा है। जिन्हें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता ना, वो चीज़ों को गहराई से समझ नहीं पाते हैं, और पता है
वो लोग कभी किसी के दिल के करीब जा भी नहीं पाते हैं। जो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है, जो जमीन से ऊपर उठा है, वो चीजों को समझेगा क्योंकि उसने उन चीजों को देखा है, अनुभव किया है। लेकिन जिसने कभी उन चीजों को फेस ही नहीं किया, वो क्या समझेगा किसी के दर्द को। बातें करनी अलग बात है, लेकिन दिल से फील करना अलग बात होती है। आज आपके जीवन में जो हो रहा है ना, वो सिर्फ इस वजह से जिससे आप इनका अनुभव ले सके, क्योंकि आने वाले समय में आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। आने वाले समय में जब आप एक बहुत महान हस्ती बन जाएंगे ना, तब कम से कम आप अपने जैसे लोगों को समझ तो सकेंगे। अगर कोई चीज आपको इतनी आसानी से मिल जाएगी, बिना स्ट्रगल के मिल जाएगी, तो आप लोगों के स्ट्रगल की वैल्यू कैसे करेंगे, लोगों के स्ट्रगल की कद्र कैसे करेंगे। जो चीजें पाने के लिए आज आपको धक्के मुक्के खाने पड़ते हैं, कल आप समझेंगे तो सही कि कोई इंसान कितनी मेहनत करके आया है, तो आप उसके साथ जस्टिस तो करेंगे, कम से कम उसके दर्द को समझ तो सकेंगे। इसी वजह से चीजें हो रही हैं। तो पीड़ा से गुजर कर ही जो आत्माएं होती हैं ना, वो प्रोग्रेस करती हैं, वो सक्सेस पाती हैं, ज्यादातर करके ऐसा होता है। अभी आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में सभी चीजें इंक्लूड की गई हैं, समझ रहे हैं। दुख भी है, सुख भी है, अचानक अचानक से तूफान भी हैं, अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी। सडनली आप सोचेंगे, अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये हो जाएगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, सिर्फ इस वजह से जिससे आप उनसे एक अनुभव ले सके और आप दूसरों के जीवन की आशा बन सकें, उनका भरोसा बन सकें। क्योंकि आप एक दीपक की तरह हैं, खुद जलकर दूसरों के जीवन में प्रकाश करते हैं। आप इतनी मेहनत करते हैं, रिश्तों में, करियर में, परिवार में अप्रिशिएट नहीं किया जाता, अप्रिशिएट नहीं किया जाता, सक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि आप अपने लेवल पर चीज़ें चुनते नहीं हैं। चाहे करियर हो, बहुत सारे लोगों के लिए चाहे करियर हो, चाहे कोई इंसान हो, अपने से लो लेवल की चीज़ें चूज करते हैं। अब फैमिली चूज करना तो इंसान के हाथ में नहीं होता, लेकिन उनसे उम्मीदें करना आपके ऊपर होता है। जो इंसान उस लायक ही नहीं है, आप उससे बड़ी बड़ी उम्मीदें कैसे कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा उम्मीदें करेंगे तो दुख मिलेगा, स्वाभाविक है, ये तो है ना आपके हाथ में। जो उस लेवल का ही नहीं है, जो उस लायक ही नहीं है, आप उससे बड़ी उम्मीदें क्यों कर रहे हैं, दुख पाने के लिए। क्योंकि आपको तो पता होना चाहिए कि वो आपकी उम्मीदों पर खरा कभी नहीं उतरेगा। और जो लोग उस लेवल के नहीं है, जो लोग आपको समझ नहीं सकते, वो क्या आपका साथ देंगे, वो क्या आपको खुशियां दे सकेंगे। आप काम भी अपने लेवल पर चूस नहीं करते, दूसरों को देखकर कॉपी कर लेते हैं। रिश्ते, किसी के साथ रिश्ते बनाते हैं तो आप ये नहीं देखते कि वो आपके लेवल का है कि नहीं, वो आपको समझने के लायक है कि नहीं। भेड़ चाल चलने लगते हैं। अपने आत्मा के स्तर पर चीजों को चूज करिए, अपने आत्मा के लेवल पर, अपने सोल लेवल पर चीजों को चूज करिए। उसमें आपको सफलता मिलेगी और ईश्वर की कृपा भी मिलेगी, क्योंकि ये ईश्वर की योजना है। तब तक आप धक्के खाते रहेंगे जब तक आप अपने आत्मा के स्तर पर चीजें चूज नहीं करेंगे। आप किसी लो लेवल की एनर्जी के साथ रिश्ते बनाएंगे, आपको धोखा मिलेगा, आपको तकलीफ मिलेगी। हाँ, और ये सब ईश्वर की कहीं ना कहीं मर्जी से होगा, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते ना कि एक हायर लेवल की सोल एक लो लेवल की सोल के साथ, समझ लीजिए आप, कितनी मुश्किल से तो एक लो लेवल की सोल हायर लेवल पर जाती है, कितना कुछ करना ध्यान साधना करके, और फिर सालों की तपस्या दो चार दिन में मिट्टी में मिल जाए, ऐसा तो ईश्वर हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, किसी चीज को तराशने में, किसी चीज को बनाने में कितना समय लगता है, हजारों साल लग जाते हैं, और बिगाड़ने में कुछ सेकंड ही काफी होते हैं, कुछ दिन ही काफी होते हैं, कुछ घंटे ही काफी होते हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है,
फिर भी आप उसका इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। ईश्वर कहना चाहते हैं, आप ऐसी किसी भी बात का विश्वास मत कीजिए जिसे सुनकर लगता है कि ये सच नहीं है, जिसे सुनकर लगता है कि ये झूठ बोल रहा है। किसी भी ऐसे इंसान पर ट्रस्ट मत कीजिए जिसके लिए आपकी इंट्यूशन कहती हो कि ये फ्रॉड है, ये चीट करेगा। अपनी इंट्यूशन को सुनिए, आपकी इंट्यूशन झूठ नहीं बोलेगी। समझ रहे हैं? वो आपको सही समझा रही है। और आपकी जितनी भी चिंताएं हैं ना, जितनी भी समस्याएं हैं, जितना भी डर है, इनसिक्योरिटी है, गुस्सा है, दर्द है, ईर्ष्या है, जो कुछ भी है, इन सभी बीमारियों को विसर्जित कर दीजिए, जल में निकाल कर फेंक दीजिए। कैसे फेंकेंगे? अब ये कोई चीज तो है नहीं कि भाई उठाया और फेंक दिया। ध्यान करिए, ये चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी आपके अंदर से, अपने आप खत्म हो जाएंगी। अपने मन को धारणाओं से, अनुमानों से मुक्त रखिए। पहले से मत सोच लीजिए कि हाँ इसका ये होगा, ऐसा इसका ये होगा। आप अगर पहले से कोई चीज सोच लेंगे ना कि नहीं नहीं इसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, नहीं नहीं इसमें ये नहीं होगा, करके तो देखिए, हो सकता है कि मिल जाए। कुछ चीजें आपके हिसाब से थोड़ी ना हो रही हैं, उनके हिसाब से हो रही हैं। लेकिन आप पहले ही रोक लगा देते हैं कि भाई इसमें तो कुछ होना नहीं है, कोई फायदा नहीं है, आप जो चाहें वो पा सकते हैं, इम्पॉसिबल आपके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन आप पहले से ही अपनी अपनी धारणा बना लेते हैं, अपना एक माइंड सेट बना लेते हैं कि नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें तो ये होगा, इसमें तो ये होगा, इसमें तो ये होगा। तो ये संदेश है आप सबके लिए महादेवी का। अब कुछ गुड न्यूज दे देते हैं। बहुत सारे ट्विन सोल जर्नी वालों का यूनियन होने वाला है। महादेवी स्पेशली आपसे कहना चाहती हैं, बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो उन्हें छोड़कर चले गए थे, जिनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू था, वो फायर साइन के थे, वो कोई बिजनेस करते हो या फिर जॉब करते हो, वो इंडिपेंडेंट पर्सन थे। ऐसा नहीं कि वो जॉबलेस है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। अगर वो किसी वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से आपको छोड़कर गए थे, तो वो बहुत जल्द आपके पास आने के बारे में सोचेंगे। ये महादेवी आपसे बताना चाहती हैं। कुछ लोगों को बाहर से कोई ऑफर आ सकता है, लाइक अदर कंट्री जाने का, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड बहुत जल्द ऑफर आ सकता है। लेकिन वो ऑफर किसी इमेच्योर पर्सन के थ्रू मिला होगा, तो थोड़ा सा सावधानी बरतना, बाकी सफलता आपको मिलेगी। सावधानी बरतने का मतलब सिर्फ इतना है कि सिर्फ उसी पर डिपेंड मत हो जाना, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, अपनी भी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना, ऑफर एक्सेप्ट कर लेना लेकिन अपनी सूझबूझ के साथ, ठीक है। कुछ लोगों की कोई बहुत पुरानी विश महादेवी पूरा करने वाली हैं बहुत जल्द। ये विश कुछ भी हो सकती है, देखिए कुछ भी, समझ रहे हैं। और हमने तो बताया ही कि कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलने वाला है उनके सोलमेट की तरफ से, जिनके साथ आपका हो सकता है कि अभी सेपरेशन चल रहा है। महादेवी आपसे कहना चाहती हैं, माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बहुत जल्द, और वो हर तरीके से आपके लिए सुखद होगा, आपके लिए खुशियों से भरा होगा। कुछ लोग यहाँ पर मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं ना किसी को पाने के लिए। हो सकता है कि उनका कमिटमेंट मिल जाए आपको, उनसे शादी की बात भी बन सकती है। अगर बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, बाहरी लोगों का, तो वो इन्वॉल्वमेंट, वो नेगेटिव लोग आपकी ज़िंदगी से जाएंगे बहुत जल्द। ये महादेवी आपसे कहना चाहती हैं, माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं। माँ आपसे कहना चाहती हैं, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, ज़िंदगी हर तरह से आपके साथ है, ईश्वर का आशीर्वाद हर तरह से आपके साथ है। समझ रहे हैं? चीज़ों को कल पर मत टाला करिए। अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छे काम हैं, उन्हें आज ही करना पसंद करिए कि अच्छे काम है, मुझे इन्हें आज ही कर लेना चाहिए। कल पर मत टालिए कि कल करेंगे। और ज़्यादा टेंशन मत लिया करिए फ्यूचर की, क्या होगा क्या होगा, प्रेजेंट को जीना शुरू करिए, क्योंकि आपका प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर बनेगा। अगर आपका प्रेजेंट बुरा है तो आपका फ्यूचर अच्छा कैसे होगा, क्योंकि प्रेजेंट की ही चीज़ें तो फ्यूचर बनती हैं।
आपका प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर निर्धारित करता है। अपने प्रेजेंट में पॉजिटिव रहिए, फ्यूचर अपने आप पॉजिटिव होगा। यहां पर हमने बहुत ज्यादा कंडीशन की बात नहीं की है, बहुत ज्यादा सिर्फ समझाया है, क्योंकि इधर कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं था। क्योंकि बात क्या है ना कि इधर काफी लोग ट्विन सोल जर्नी वाले भी हैं, और वो बेवजह की चीजों को बहुत ज्यादा बड़ा कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मतलब सब कुछ बहुत स्लो है, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है। अगर किसी चीज पर आपने इन्वेस्ट किया है, टाइम हो, प्यार हो, कुछ भी आपने इन्वेस्ट किया था, तो थोड़ा सब्र करिए, सब्र के साथ उसका फल मिलेगा, समय के साथ फल मिलेगा। जल्दबाजी मत करिए, सब कुछ बहुत स्लो है, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, उसका कॉल नहीं आया, उसने ब्लॉक कर रखा है, वो एक्शन नहीं ले रहा है, बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं करियर में पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। भाई समय के साथ मिलेगा, आपके कर्मों के हिसाब से मिलेगा। तो वेट करिए, कहेंगे कब तक वेट करें, जब तक ईश्वर कराए तब तक करना पड़ेगा। आखिर आप और कर भी क्या सकते हैं, आप कुछ कर भी तो नहीं सकते। तो सब्र करिए, सब्र का फल मीठा होगा। जो चीजें सब्र के साथ मिलती हैं ना, वो बहुत बेस्ट होती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी जिंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साई राम।